हेलो दोस्तों, मैं रामदेव आप सभी का स्वागत करता हूं नॉलेज गुरुजी पर। जैसा कि आप सभी थंबनेल देख रहे हो, HSSC ग्रुप डी रिजल्ट से संबंधित वही न्यूज़ आप सभी को पता भी है, लेकिन इसमें चर्चा भी करेंगे। ग्रुप सी से जुड़ी भर्ती है भाई, उसको लेकर बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री जी का जो बड़ा बयान है वो आया है। अब देखते हैं भाई, पिछले 3 सालों में जो मुख्यमंत्री जी लगातार एम कह रहे हैं 70 कर देंगे, 60 कर देंगे, कितनी भर्तियां हुई हैं और आगे आने वाले समय में कितनी भर्तियां और होनी है, इस पर चर्चा की जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही क्या बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि इस चैनल से कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो सबसे पहले आप दे सकते हैं भाई, ग्रुप डी की भर्ती जो अभी पेपर हुआ था 21-22 अक्टूबर को, उसका परिणाम है भाई नवंबर में घोषित करने की जो घोषणा CM साहब ने करी है। लेकिन भाई इनकी जो बातें हैं उन पर कितना विश्वास किया जाए, कितना विश्वास न किया जाए, ये आप सभी को पता भी है, क्योंकि हर बार ये कुछ ना कुछ नई बात बोल देते हैं लेकिन वो बातें पूरी नहीं की जाती। और भाई ये 60,000 भर्तियां कर रहे हैं पिछले 3-4 सालों से, लेकिन यहाँ पर 60,000 भर्तियों की अगर बात की जाए ना, तो भाई 2019 में भर्ती थी हरियाणा पुलिस की और 2023 के अंदर कंप्लीट हुई है, और IT इंस्ट्रक्टर की भर्ती है वो भी भाई अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। इस प्रकार की बहुत सी ऐसी भर्तियां हैं जो बीच में लटकी पड़ी हैं, लेकिन वो मामला आप सभी को पता है भी, ये ले जाना चाहते हैं चुनाव के ऊपर। जैसे ही चुनाव आएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कितनी इन्होंने भर्तियाँ कर दी और कितनी नहीं करी, यानी भर्तियाँ तो करनी है इनको। लास्ट जो 1 साल है इसके अंदर जो भी भाई थोड़ी बहुत मेहनत करने वाले जो कैंडिडेट हैं वो इसमें 100% इस बार लगने वाले हैं। कारण आप सभी को पता है, पिछले 5 सालों में इन्होंने कुछ नहीं किया। अभी जो मौका है, जो ये भर्तियां करने वाले हैं, तो अपनी तैयारी जोरों शोरों पर रखें। अब देखते हैं भाई, अभी तक तो आंसर की भी नहीं आई है, और पेपर लीक वाला जो मामला है वो अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है। वो यही है भाई जो न्यूज़पेपर के अंदर न्यूज़ आई है, या तो भाई न्यूज़पेपर वालों को थोड़ा सा क्लियर करके ही न्यूज़ छापनी चाहिए, अगर क्लियर नहीं है तो भाई इस प्रकार की न्यूज़ इनको नहीं छापनी चाहिए। और ये है मामला भाई आपका ग्रुप सी का, जो 31 अक्टूबर को हाई कोर्ट के अंदर सुनवाई है, यानी आज आपकी 30, कल है 31, कल आपकी सुनवाई होनी है। तो अब देखते हैं मामला कहां पर जाकर निबटने वाला, क्योंकि हर जो मुख्यमंत्री जी और ये कह रहे भी हम 31 तारीख को मामला है वो सुलझा देंगे, लेकिन भाई जो इनको काम करना था वो इन्होंने कंप्लीट नहीं किया। क्योंकि काम आप सभी को पता है, एक तो सोशियो इकोनॉमिक की ग्राउंड लेवल पर वेरिफिकेशन करनी थी, जो इस बार नियम में बदलाव हुआ ना वो बहुत ही अच्छा नियम है भाई, जो 1,80,000 इनकम वाला है, लेकिन भाई उसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट फर्जी हैं। किसी की इनकम 1,80,000 से नीचे है, लेकिन वास्तविक जो इनकम है उसकी वो भाई अच्छी खासी है। अगर ग्राउंड लेवल पर जानकारी लेनी है तो भाई गांव के सरपंच या नंबरदार से इनको वेरीफाई करवाना है, और नंबरदार को बोले भाई अगर आपने गलत वेरीफाई किया तो आपको भाई जेल जाना पड़ सकता है, तो वो भाई कहीं भी कुछ भी गलत वेरीफाई नहीं करेगा। कितनी ज़मीन है कैंडिडेट की, कितनी प्रॉपर्टी है, ये सारी अटैच करोगे तो भाई आपका जो वेरीफिकेशन है सोशियो इकोनॉमिक की हो जाएगी, और उसमें भाई लगभग 5-10% ऐसे कैंडिडेट मिलेंगे आपको इस बार जो वाक्य में ही सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का नंबर लेने के हकदार हैं। लेकिन पीछे मुख्यमंत्री जी ने भाई नियम तो बना दिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा भी, एक तो सरकारी नौकरी वाला 50,000 रुपये कमा रहा है और एक भाई प्राइवेट बिजनेस कर रहा है वो 1-1.5 लाख रुपये कमा रहा है, तो भाई इनकम किसकी ज़्यादा हुई? नौकरी जो ज़रूरत है वो तो हर किसी को है भाई, सरकारी नौकरी अगर मेहनत करेगा तो नौकरी लगेगा, लेकिन जो नियम था उस टाइम में वो गलत था भाई। इस बार इन्होंने कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर किया है, ठीक है। इसमें जो 1,80,000 की इनकम वाला क्राइटेरिया बिल्कुल भाई एकदम सटीक है, वो देखेंगे भाई फैमिली आईडी में भाई अभी तक डाटा सही नहीं है, वेरिफिकेशन किए बिना अगर इस प्रकार का कोई कदम उठाया जाता है तो वो भी भाई आप सभी को पता है मामला गलत ही बैठने वाला है, क्योंकि ग्रुप 56-57 का पेपर लिया इन्होंने और उसके अंदर भी मामला है आप सभी को पता है, बहुत सारे कैंडिडेट जो फर्जी हैं, तो इससे भाई जो जेन्युइन कैंडिडेट है ना तो वो रह जाते हैं भाई। अब देखते हैं मामला क्या होता है, 31 तारीख को कहां पर मामला चला जाता है, नेक्स्ट डेट मिलती है या नहीं मिलती, और TGT वालों को भाई वैसे ही लटका कर उन्होंने रोक रखा है, इनको भी जल्दी से जल्दी भर्ती की जाए, तो भाई कम से कम जो कैंडिडेट है वो ग्रुप डी से तो बाहर हो,
और बार बार भाई मनोहर लाल जो है भाई घोषणा कर रहे हैं हम 60,000 भर्तियां कर देंगे, लेकिन भाई युवा इंतजार कर रहे हैं पिछले 3-4 सालों से, अभी तक भर्तियां नहीं हुई हैं। तो ये थी इन्फॉर्मेशन भाई, इसमें कोई अगर आपको लगे हाँ भाई ये बात सही है ये गलत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। धन्यवाद।